Anoop Latha, sir, is a man who wears multiple hats with elan and has an infectious enthusiasm and energy about him in each of these roles. He is a gold medalist from the Indian Theatre Department of Punjab University, Chandigarh. He has also acted in many Haryanvi films like Chandravel and Lado Basanti. He has dedicated his entire life in revival of the Haryanvi culture. We are highly honored and privileged that sir has been playing the role of consultant of youth and cultural affairs in our university. I would like to call Anoop Latha sir to introduce the chief guest of the evening. Ranjeet Kapoor sahab jo hain ek bade haseen aadmi hain, ek haseen shakhsiyat hain. Ye sirf theater ke hi director nahi hain, films ke bhi director hain. Lekin mera aur inka taaruf jo hai wo bada purana hai, aur isiliye shayad saralta se maine inko phone kiya aur maine inko nimantran diya ki aap hamare mukhya atithi ho jaiye, to janab ne ek baar mein hi ha kar di. मेरी इनसे सबसे पहली मुलाकात जो है आज से 40 साल पहले की है, 1980 की. 1980 में हम पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, और वो एक नाटक हम उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में एडमिशन लिए हुए छात्र थे, और ये वहाँ से निदेशक के तौर पे एक और नाटक के निदेशक के लिए निर्देशन के लिए आए थे. तो लेकिन निर्देशन तो हुआ नहीं, लेकिन एक मध्यस्थता हो गई थी, और उस मध्यस्थता में ये उस नाटक से जुड़े रहे. इनके साथ इनके छोटे भाई हैं अन्नू कपूर, आपने वो सुने हुए ना, उसमें अंताक्षरी और वो सारे फिल्म्स में देखते हैं, वो इनके छोटे भाई हैं. तो वो भी इनके साथ थे, और एक और शख्सियत थे जफर संजरी, मैं ठीक याद हो तो मुझे. तो साहब वो बिल्वा मंगल का नाटक था. अब आप कहेंगे कि मुझे क्या याद है, वो जो नाटक बिल्वा मंगल था मुझे उसके अब तक डायलॉग्स भी याद हैं 40 साल बाद भी. रंभा औरत दुनिया की ताकत है, औरत की ताकत आंसू हैं, जो डब डबाई हुई आंखों से निकलकर रंज में डूबी हुई सफेद गुलाब की पंखड़ियों को धोते. क्या होता है जब आप अच्छी अच्छी शख्सियत के साथ रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो जीवन में एक मिठास आ जाती है. अब ये शख्स देखिए कितने आराम से संत से बने बैठे हैं, और फिल्म कौन सी, जाने भी दो यारों के, जाने भी दो यारों के जो डायलॉग राइटर हैं उस इतनी महान कॉमेडी फिल्म के, वो ये हैं. जनाब की फिल्म जय हो, मंगल पांडे, लगान, तो इतनी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन फिल्में रही हैं. बैंडिट क्वीन, तो किसी में ये स्क्रीन प्ले राइटर हैं, तो किसी में ये डायलॉग राइटर हैं, और किसी फिल्म के निर्देशक हैं. लेकिन उससे बढ़ के जो है इनका एक नाटक है जो 70s में इन्होंने सबसे पहले किया था, और क्योंकि तब हम थिएटर स्टूडेंट्स थे तो वो नाटक बड़ा फेमस हुआ था, और बड़ा एक वो होता था कि जाकर बेगम तकिया रंजीत कपूर साहब का नाटक देखें. तो बेगम का तकिया नाटक जो है इनका बड़ा सुप्रसिद्ध रहा, और पहले वो रेपेट्री से रहा, चलता रहा, दो तीन साल चलता है, फिर एक्टर बदल जाते हैं, फिर से दूसरा सेटअप तैयार होता है, फिर दूसरी वर्शन ऑफ बेगम तकिया चलती है, और अब तीसरी चौथी वर्शन बेगम तकिया की अभी चल रही है, और उसका शो 23 तारीख को श्रीराम सेंटर जो है मंडी हाउस पर, उसका 23 तारीख को दोपहर को 12 बजे शो है बेगम का तकिया. तो आपको बल्कि मैं सभी को आमंत्रित करूंगा कि आप ज़रूर अगर मौका लगे तो जाकर देखिएगा, तो आप इस हसीन शख्सियत को और अच्छे से बेहतर से जान पाएंगे कि ये कैसे क्रिएटिव और कैसे नेक और बढ़िया इंसान है. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. इसी क्रम में मैं आपको दो छोटे छोटे एनेक्डोट आपको सुनाना चाहूँगा अपनी लाइफ से जुड़े हुए, या मैं पढ़ता था कॉलेज में.
मैं हायर सेकेंडरी तक मैंने तो बहुत अच्छा स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा लेकिन एग्जाम देता था बहुत अच्छा और फर्स्ट क्लास से पास होता था और हायर सेकेंडरी बोर्ड में मेरे दो सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन भी आई थी लेकिन वो बायोलॉजी थे। तो जब मैं कॉलेज में गया तो बी एस सी लिया लेकिन जब बायोलॉजी में डिसेक्शन करना होता था मुर्गा होता मेंढक वेंढक काटना होता होता था तो बहुत तकलीफ होता तो मैंने सोचा ये मेरे बस का है नहीं। तो एक साल बी एस सी करने के बाद मैंने फैकल्टी चेंज कर दी मैं आर्ट्स में आ गया। उन दिनों मुझे लिखने पढ़ने का शायरी का बड़ा शौक हुआ तो मैं बी ए में आ गया मतलब आर्ट्स में आ गया। एक दिन क्या हुआ मेरा दोस्त था वो एक साल उससे सीनियर था लेकिन हम लोगों की जोड़ी थी और हम कॉलेज के साथ साथ बैठते थे कैंटीन में चले जाते थे वहाँ भजिए खा रहे हैं चाय पी रहे हैं ये सब करते थे। एक दिन मैं कॉलेज गया तो वो नहीं आया था पता नहीं क्या रीज़न था तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने देखा एक क्लास अभी शुरू नहीं हुई थी तो मैंने उस क्लास में जाकर बैठ गया मुझे नहीं मालूम था वो क्लास हुई थी वो बी ए थर्ड ईयर की थी शायद मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर था। तो खैर मैं बैठ गया चुपचाप से थोड़ी देर बाद जो आए लेक्चरर प्रोफेसर जो भी रहे उन्होंने तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया स्टूडेंट बैठे रहे अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो बोले तुम इस क्लास के हो नहीं सर इस क्लास का नहीं हूँ यहाँ क्यों बैठे मैंने सर मेरी कोई क्लास थी नहीं तो यहाँ बैठा हूँ मुझे अच्छा लग रहा गेट आउट। मुझे बहुत शौक लगा मैंने कहा सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ उसे और मुझे अच्छा लग रहा है आप अभी शुरुआत जब तक शुरू कर चुके थे अभी मैंने कहा मुझे गेट आउट। मैंने बहुत ही रूडली ठीक है सर ओके गेट आउट हो गया उसके बाद मैं कॉलेज गया ही नहीं आज तक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो मुझे इतनी हीन भावना ने सताना शुरू कर दिया कि मैं टेक्निकली हायर सेकेंडरी पास तो मैं तो बहुत ही पिछड़ा हुआ मैं क्या करूँ कैसे करूँ बहुत बहुत हीन भावना से ग्रस्त था। तो मैंने हमारे प्रोफेसर थे उसी कॉलेज में जो मेरे काव्यगत गुरु थे जब मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी तो उनको मैंने सलाह के लिए दी थी उनसे मैंने संशोधन लिया डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही बहुत अच्छे कवि थे तो उनके साथ एक ये दूसरा रिश्ता था कॉलेज का नहीं था वो कॉलेज में मुझे नहीं पढ़ाते थे लेकिन मुझे बाहर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी और यही कहा कि सर मैं लखनऊ में हूँ इन दिनों और 3 साल हो चुके हैं मैंने सबसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत ही भावना महसूस होती है कि मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी पास हूँ तो आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ मैं कहाँ से प्राइवेट ग्रेजुएशन करूँ कैसे करूँ। लौटती डाक से उनकी चिट्ठी है सुनिएगा उनकी चिट्ठी वो भी प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे निकाल लिया था ये भी प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे लिखा प्रिय रंजीत ये तुम्हें क्या हो गया जिस उलझन से बच के निकल गए थे उसमें दोबारा फंसना चाहते हो जीवन के जिस विश्वविद्यालय में तुम हो उससे बड़ी पढ़ाई और कहीं नहीं है और तुम अपने आप को हीन समझते हो कागज लेने के लिए नहीं है वो स्वास्थ्य सुखाए होने चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए होने चाहिए वो डिग्री हासिल करने के लिए नहीं होने चाहिए। तो ये दो मैंने आपको उदाहरण दिए अध्यापकों के एक अध्यापक वो था जिसने मेरी बात भी नहीं सुनी और उस आदमी ने मुझे कह दिया गेट आउट और दूसरे अध्यापक ने कहा अब मत आओ। तो ये दो ऐसे उदाहरण मुझे लगता है कि
नथिंग. मैंने कितने साल तक वो चिट्ठी संभाल के रखी नहीं. भगवान की बहुत बहुत ये कृपा है, वो अभी जीवित है. अभी इस वक्त 94. तो मेरी छोटी बहन अभी बिफोर लास्ट ईयर वहाँ गई, उनसे मिली जाके शिवपुरी में, तो उनको मैं याद था और उनको ये घटना याद थी. और उन्होंने उसके मोबाइल के ऊपर एक वीडियो बना के मेरे लिए मैसेज भेजा. तो मैं दिल से चाहता हूँ कि वो एक ऐसे अध्यापक रहे जिन्होंने ज्ञान बांटा और मुझ तक पहुँचाया और अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए. तो ये चूँकि मैं शुरू में मैं कोई ऐसी जगह मुझे बुलाते थे ना इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो भी मैं बहुत ज़्यादा हीन भावनाग्रस्त हो जाता था शुरू में कि यार पढ़े लिखे लोग जो सामने बैठे हुए हैं और मैं कहाँ आ गया हायर सेकेंडरी पास. तो इत्तेफाक ऐसा हुआ जब मैं 73 में NSD में आ गया और फिर 76 में मैंने पास आउट करके निकला. जिसमें कहा ना हमेशा से मैं फर्स्ट आया, NSD से मैं निकला तो मैं फर्स्ट, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं फर्स्ट आके निकला. तो NSD से निकलने के बाद 76 में अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि कुछ अभी सुना है 8-10 साल पहले हमारा जो डिप्लोमा होता था NSD का, अब उसका जो है अपग्रेड हो गया, अब उसको डिग्री बोलते हैं. तो इस तरह से ये कह सकता हूँ कि आई एम ऑल्सो ए ग्रेजुएट बाई डिफॉल्ट. लेकिन मैं यही बोलता हूँ टेक्निकली मैं हायर सेकेंडरी पास हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी स्वतः सिखाए अपने लिए हमेशा जारी रखी. और अभी भी आप विश्वास कीजिए ऐसा कोई दिन नहीं होता है मैं रात को बिना पढ़ सकता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान का इतना असीम असीम भंडार है, असीम सागर है. और शायद मेरी पूरी फैमिली में इंटरनेट को जितना मैंने यूज़ किया मेरे घर में किसी ने, मेरे बच्चों ने भी नहीं किया. क्योंकि वहाँ तो मतलब मेरी सारी खर्चे जो मुझे NSD में डॉक्टर वो मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो ज़्यादातर ही होती थी 5 तारीख को मिलती थी, 6 तारीख को ख़त्म हो जाती थी. क्योंकि वो जाके किताबें खरीदते थे, कभी जामा मस्जिद से, कभी दरियागंज से, कभी कॉनॉट प्लेस से. इससे मुझे याद आया कि एक बार कॉनॉट प्लेस से मैंने 5 रुपये में रद्दी में एक किताब खरीदी और उस पर पन्ना उसका जो मुख्य प्रश्न था वो फाड़ दिया था. सारी किताबें वो मुख्य प्रश्न के साथ नहीं मिलती थी, वो एक सारी किताब 5 रुपये देर था. तो मैंने खरीद ली, पतली छोटी सी किताब थी. वो एक रशियन पोएट था यवतिशेक, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी. तो उसका जो शेयर साइज देख के बता मैं बहुत इंप्रेस हो गया. मैं अपने जीवन का मैंने सोचता था कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो पता नहीं 4-5 वॉल्यूम्स में हो गए. लेकिन 120 पेज की वो किताब, उसकी ऑटोबायोग्राफी है और वो भी बड़े फॉन्ट में, बड़े टाइप में, बोल्ड में, तो मुझे लगा मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी कि इसको जीवन में सिर्फ इसके पास कहने के लिए 120 पेज थे. इतना उसका जो कंटेंट है उसकी लाइफ का, उसके लिए 120 पेज काफ़ी थी. लेकिन जब मैंने किताब पढ़ी उसमें भी आपको दो मैं आपको विशेषताएँ बताता हूँ जिससे मुझे लगा कि ही वॉज ग्रेट. पहली तो पहली लाइन है उस किताब की, आपको कहीं मिल जाए, ये विषय तो बहुत मशहूर रशियन पोएट रहा. वो जब रेवोल्यूशन हुई है उसमें भी सबसे आगे था, जब रेवोल्यूशन के बाद भी वो जो था आलोचक था, उसको बहुत भुगतना भी पड़ा क्योंकि वो सच बोलता था. ये दिक्कत थी, वही अरेबिक सेइंग है बड़ी अच्छी है, टेल द ट्रूथ एंड रन. वो उनमें से नहीं था, खड़ा रहा और उसे सच बोलने का ख्याजा बोलता है. तो खैर उस किताब में शुरुआत होती है उसकी इन्वर्टेड कॉमास में, शुरू में लिखा हुआ है साइलेंस इज गोल्डन. फिर आगे उसमें लिखा है ये बात किसी कायर ने कही है, साइलेंस इज गोल्डन. कहता है ये बात किसी कायर ने कही है. वो कहता है कि जिसके कई बार हम लोग अपने हितों की देखते हुए अपने उसके खमियाजे क्या भुगतने पड़ेंगे इसलिए हम सच नहीं बोलते. उसका ये कहना था, कहना है उसका कि जिस तरह से सही समय पर सच झूठ बोलना नैतिक अपराध है, उसी तरह सही समय पर सच ना बोलना भी उतना ही बड़ा नैतिक अपराध है. इस बात पर मैं बहुत
शिद्दत से महसूस करता हूँ और इसका मैं हामी मतलब मैं इसकी हामी हिमायत करता हूँ। अब इसी में एक छोटा सा एक एनेक्डोट है इसका, जिससे पता लगता है ह्यूमन कंपैशन इसका। वो जियोलॉजिकल सर्वे में काम कर रहा था रशिया में, तो उनकी टीम में 4-5 लोग थे, तो कोई इक्विपमेंट लाए हुए से पूछे तो एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे जो फट्टे हुआ बना हुआ था, उसके आगे आगे उसका दोस्त चल रहा था, इसके गंदे भी कुछ जो भी इक्विपमेंट होता है वो था उसके, इतने में एक फट्टा जो था वो टूट गया और इसका जो दोस्त था जो आगे चल रहा था वो नदी में नीचे गिर गया, उसको तैरना नहीं आता था, तो चिल्लाया तीसरा आओ देखा था इक्विपमेंट फेंका है ये भी कूद गया और उसको बचा के किनारे ले गया। किनारे पे आने के बाद इसको याद आया कि मुझे भी तैरना नहीं आता, तो मुझे लगता है ह्यूमन कंपैशन की इससे बड़ी मिसाल मैंने दौर कही कि अपने दोस्त का जीवन इसके लिए इतना मूल्यवान था कि उसको ये भी याद नहीं रहा कि मुझे तैरना नहीं आता है, मैं भी मर सकता हूँ लेकिन कूद गया। लेकिन उसको जो नैसर्गिक एक छोटे से बच्चे को नवजात बच्चे को आप पानी में डाल दीजिए वो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो नैसर्गिक उसके अंदर सर्वाइवल की वो होती है, तो वही काम आई उसके, क्योंकि वो बहुत ही कंपैशनेट आदमी था ये विषय को। और तो इस दो तीन एक पहली लाइन उसकी साइलेंस इज गोल्डन और ये घटना इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ऐसे ऐसे महान और भी लेखक हैं पूरे रशियन लिटरेचर जो है सबसे ज़्यादा प्राचीन भी है और सबसे ज़्यादा रिच भी है, उस बाकी भी पूरे यूरोप में और अमेरिका में फॉलो किया रशियन राइटर्स। बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अब भी पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ और मैं बहुत ही लालची हूँ पढ़ने के बारे में किताबों को। मैंने हमेशा कोई कहीं जब जाती है कोई किताब दिखाई दे जाती है बैसी दिखाई देती है तो मैं लालची बच्चों की तरह जैसे मिठाई को देखते हैं बच्चे मैं वैसा हूँ। तो मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा आप विद्यार्थियों को आप अध्यापकों को भी कि जैसे मतलब कुछ ऐसा ना करें आप कि अध्यापक आपसे नाराज हो जाए और बच्चे कुछ ऐसा कर भी दें तो अध्यापकों को भी क्षमा जो है करना आना चाहिए, मेरे वो प्रोफेसर की तरह ना हो जो मुझे निकाल दिया था। धन्यवाद।